नमस्कार साथियों, इस टीवी हिंदी एकेडमी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम ल्हासा की ओर पाठ के दूसरे पार्ट को लेकर के आए हैं, दूसरे भाग को लेकर के आए हैं। यह प्रश्न अभ्यास का सेक्शन है, इसमें 7 प्रश्न दिए गए हैं और इन 7 प्रश्न का यहाँ जिक्र होगा। और एक तीसरा वीडियो, अगला वीडियो जो आएगा उसमें रचना और अभिव्यक्ति, भाषा अध्ययन, पाठ्येतर सक्रियता, शब्दार्थ वगैरह चीजें जो है उसको देखा जाएगा। तो ये भाग सिर्फ 7 प्रश्नों पर निर्भर है और इसको हम आगे बढ़ाते हैं, एक एक करके प्रश्न को लेते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? जब पहली बार थोंगला की यात्रा पर आए थे तो इस यात्रा में लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति था, और सुमति हर गांव से परिचित था और हर गांव से ही नहीं, हर गांव के में उसके कुछ यजमान थे जिनके यहाँ वो जाता था और गंडा, कपड़े का बना हुआ बोध गया से लाया हुआ गंडा देता था। तो इस परिचय के कारण उसको ठहरने में दिक्कत नहीं हुई। जब दूसरी बार सभ्य व्यक्ति बन के आए, अच्छे कपड़े में भी आए, तो एक तो शाम के समय आए जिसमें छंग पी करके, शराब जैसी एक वस्तु है, छंग को पी करके लोग होश आवाज खो बैठते हैं, और दूसरा कारण ये था कि साथ में सुमति बौद्ध भिक्षु भी नहीं था, इसलिए दूसरी बार उन्हें ठहरने में परेशानी हुई, कहीं झोपड़ी वगैरह में ठहरना पड़ा था। तो ये सवाल समाप्त होता है, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? हथियार का कानून तिब्बत में नहीं था, इस कारण खुलेआम लोगों के पास जैसे लाठी लोग रखते हैं उस तरह से हथियार, बंदूक, चाकू वगैरह लेकर के लोग घूमते रहते थे। और इसका ये दुष्परिणाम ये था कि कहीं कोई निर्जन स्थान मिल गया और वहां पे अगर डाकू मिल गया तो डाकू सबसे पहले लोगों को गोली मारता था, उसके बाद चेक करता था इनके पास कुछ सामान है, पैसा है वगैरह है कि नहीं है, क्योंकि डाकू को खुद ही भय होता था कि सबके पास हथियार होने के कारण, ऐसा नहीं कि मैं डाकू हूं तो मेरे पास हथियार है, वो सामने वाले के पास भी हथियार हो सकता था। तो इसलिए पूरे समाज में हथियारों को लेकर एक होड़ की स्थिति थी, और जिससे कि कई बार जो ऐसे मासूम व्यक्ति भी जिनका कोई दोष नहीं है, निर्दोष व्यक्ति भी मारे जाते थे। तो ये है इस दूसरे सवाल का जवाब। अब तीसरे सवाल पर आते हैं। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया? जब लंकोर के रास्ते में जा रहे थे, रास्ता लगभग 16-17 मील दूर था, तो लेखक राहुल संकृत्यायन को आइडिया आया कि क्यों न घोड़ा कर लिया जाए। घोड़ा कर लिया और साथी भी चले, सुमति भी साथ में चले, सब लोग समय पर निकल गए, लेकिन इनका घोड़ा बहुत सुस्त था, धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए साथियों से बिछड़ गए। और बिछड़ने के क्रम में वो एक मोड़ पे जब इनको दाएं तरफ जाना था तो ये बाईं तरफ की ओर निकल गए। बाईं तरफ निकलने के 1.5-2 मील जाने के बाद फिर इनको पता चला कि गलत रास्ते पे, फिर लौट करके आए और शाम तक वहां पहुंचते हैं। तो इन सब परिस्थितियों के कारण वो रास्ता भटक गए और इन कारण आप देखेंगे कि इनको सुमति के गुस्से का भी सामना करना पड़ता है। आइए अगले अंश। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? शेखर विहार में जब ये यजमान के पास जा रहे थे तो लेखक राहुल संकीर्तन यहां तक तैयार हो गए कि भाई तुम यजमानों के पास नहीं जाओ, और इसका इससे तुम्हारा जो दान दक्षिणा में जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई करने के लिए मैं तुम्हें कुछ पैसा भी दे दूंगा। लेकिन दूसरी बार जब वो जाना चाहते हैं तो इसलिए राहुल संकीर्तन तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनको बुद्ध वचन का अनुवाद करने के लिए वहां पे कुछ कंजूर कहते हैं, उसके लिए कंजूर शब्द है, तो वो मिल जाती है, 103 किताबें मिल जाती हैं और मोटी मोटी किताबें हैं, 10 सिर 15 सिर की किताबें हैं, तो उसमें अपना ध्यान खपाने के लिए उनको लगता है कि इन्हें कुछ समय चाहिए। तो वो अंत में सुमति को दोबारा जाने के लिए नहीं रोकते, उनको कहते हैं ठीक है आप जाइए, मैं इन किताबों को देखता हूं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? यह है 5वां प्रश्न। लेखक को अपनी यात्रा के दौरान बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली कठिनाई तो ये थी कि पहाड़ पे चढ़ना ही अपने आप में कठिन होता है, तो पहाड़ पे चढ़ना, ऊंचाई पे जाना, फिर उसको उतरना, एक कठिनाई थी। दूसरा, कई बार ये हुआ कि पीठ पर खुद ही सामान लेकर के चलना पड़ता था। दूसरा हुआ कि डाकुओं का भय के साये में वो सारी यात्रा हुई है, दुर्गम पहाड़ी वाला एरिया था। इसके अलावा उनका रास्ते में उनका सुस्त घोड़ा मिल गया जिस कारण अपने साथियों से बिछड़ गए, और इस कारण सुमति से उनको डांट भी सुननी पड़ी। तो इन सब कठिनाइयों को झेल करके, क्योंकि दुर्गम रास्ते पे चलना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपको कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा, और निश्चित रूप से राहुल संकीर्तन ने
कई कठिनाइयों और दुर्गम रास्तों को पार करके ही ल्हासा की अपनी यात्रा पूरी की होगी। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। छठा प्रश्न, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। उस समय का तिब्बती समाज बहुत ही खुला समाज था। वहां पे स्त्रियों के लिए कोई बंधन नहीं था, स्त्रियों का समानता स्वतंत्रता के अधिकार थे। वहां के समाज में छंग, शाम को छंग, शराब के प्रकार होगा, छंग पीने की प्रवृत्ति थी लोगों में। और इसके अलावा समाज में खुलापन काफी था, डर भय का माहौल नहीं था। और किसी भी व्यक्ति को आसानी से, अगर आप अनजान भी हैं और चोर बटमार टाइप के आप नहीं लग रहे हैं, तो आपको घर में आसानी से प्रवेश मिल जाता था। ये सब उस समय के समाज की खूबियां थी। और वहां पे बहुत पुलिस या खुफिया विभाग जैसी चीजें वहां पे उतनी डेवलप नहीं हो पाई थी। पुलिस प्रशासन का उतनी पकड़ नहीं थी। वहां के समाज में हथियार रखने की छूट थी, लोग आसानी से हथियार का कोई कानून नहीं बना हुआ था, तो ये एक वहां पे एक समस्या थी। तो इस तरह से ये छठा प्रश्न भी समाप्त हुआ। अब अगले सातवें प्रश्न पर आते हैं। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। तो इसका चार विकल्प है, चार में से क पहला ही इसका उत्तर है। लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया, यानी मैं अब पुस्तकों के भीतर था, यानी कि मैं पुस्तक पढ़ने में रम गया। तो इस तरह से इस वीडियो का हमारा दूसरा पार्ट भी समाप्त होता है। इसमें आपका प्रश्न अभ्यास वाला सेक्शन हो गया है। अगला पार्ट जो होगा उसमें हम रचना और अभिव्यक्ति, शब्दार्थ आदि चीजें, जो बचे हुए शेष भाग हैं, उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।